Good morning, dear students. Today we will do exercise 6.2 question 4. First two questions we have already done. So today we will start the question 3 from the word problems. So our question 3 is, a factory filled 7,624 bottles in 8 hours. The same number of bottles were filled in each hour. How many bottles were filled in each hour? क्या बोला गया है कि 8 hours में 7,624 bottles जो है वो filled होती है, और हर hour में, each hour में अगर number of the bottles filled होने वाली जो bottles है उनका number क्या है, same है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इन ईच हावर हाउ मेनी बॉटल्स वर फिल्ड, मींस वन हावर में आपकी कितनी बॉटल्स फिल्ड हो रही हैं. सो द सॉल्यूशन इज, बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड इन 8 hours. हमें 8 hours में जितनी bottles filled हो रही हैं उनका number given है 7,624. So number of bottles filled in each hour. Each means in every 1 hour. So for 1 hour we find here. और जब हम 1 hour के लिए find out करेंगे तो क्या करेंगे? Divide 7,624 is divided by 8. क्लियर? जब हमें, हमने लास्ट में मल्टीप्लाई वाले वर्ड प्रॉब्लम्स की थी तो उसमें हम क्या करते थे, हमें 1 के लिए गिवन होता था, 1 से ज्यादा के लिए हम फाइंड आउट करते थे. अब हमें क्या है, मोर देन 1 इज गिवन और 1 के लिए फाइंड आउट करना है, सो वी डिवाइड हियर. तो डिवाइड करेंगे, देन राइट द बिगर नंबर इन मिडल एंड 8 इज आवर डिवाइजर नाउ. सो डिवाइड इट, 8 की टेबल में 76 कहाँ आएगा, 8 9 जा 72, सब्ट्रैक्टेड 7 माइनस 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 7 0, हाउ मच कैरी डाउन 2, देन 8 की टेबल हमें क्या फाइंड आउट करना है, 42 या उससे स्मॉलर नंबर, सो 8 5 जा क्या आएगा हमारा 40, 8 6 is 48, so 48 is greater हो जाएगा, then it is divided by 5th, 8 5 जा 5 जा से हमारा divide होगा, 8 5 जा 40, then carry down, next number, last digit is 4, now in table of 8 24 comes, yes 8 3 जा 24, now remainder is 0. So, हमारी 8 hours में इतनी bottles filled हो रही थी, और each hour means 1 hour में हमारी कितनी bottles filled होगी, 953 bottles. So, this is our answer. Clear? Second, next question is, question 4. The product of two numbers is 32,396. If one number is 52, find the other. अब इसमें आपको क्या given है? Two numbers की product आपको given है. उसमें से one number आपको given है, find the other. Second हमें निकालना है. For example, अगर हमें given है, 4 multiply by dash is equal to 8. Means two numbers की product हमारे पास 8 है. उसमें से one number 4 is given. तो second क्या होगा हमारा? क्या होगा? 4 की टेबल में 8 कहां पे आता है, 2 जा पे, 4 2 जा 8, बिकॉज ये स्मॉलर नंबर था तो डायरेक्ट आपने टेबल रीड करके इसको निकाल लिया. बट बिगर नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, मेथड क्या यूज किया, 8 को हमने 4 से डिवाइड किया. सो हियर इज आल्सो टू नंबर्स की प्रोडक्ट ये गिवन है, उसमें से वन नंबर 52 है, तो आपको क्या निकालना है, सेकंड वन आपको फाइंड आउट करना है. सो सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड, देन हाउ वी राइट, our solution is, the product of two numbers is
the product of two numbers is equal to 32,396. उसमें से आपको क्या गिवन है? वन नंबर इज गिवन, सो राइट हियर वन नंबर इज इक्वल टू 52. फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द अदर, मीन्स जो सेकेंड नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो अदर नंबर इज 32,396 डिवाइड बाय 52. सो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे. जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते थे, उसमें हमें क्या गिवन होता था? द सम ऑफ टू नंबर इज गिवन, इफ वन नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर. तो सम वाले में हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे. तो हेयर भी डिवाइड. नाउ हमारा डिवाइजर क्या है? 52. इट्स अ बिग नंबर, टू डिजिट में है, बिग नंबर है, टेबल इज नॉट लर्न. तो इस मेथड के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास बिग नंबर गिवन है, टेबल हमें लर्न नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेबल को हम राइट करेंगे. 52 की टेबल आप यहाँ पे साइड में राइट कर लो. 52 बन जा 52, 52 टू जा 104. कैसे राइट करोगे? आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ. ठीक है, 52 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया. 52 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आ जाएगा. फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15. 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20. 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 टू जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 1 26. देन मल्टीप्लाइड विद 6, 6 टू जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 एंड 1 31. देन 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 टू जा 14, 1 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 1 36. देन विद 8, 8 टू जा 16, 1 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 1 41. देन 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 टू जा 18, 1 कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 1 46. देन 10 से जब डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा आपका? 520 सेम. सो इस टाइप से आप 52 की टेबल राइट करोगे. उसके बाद आप डिवाइड करोगे, चाहे आपको कितना भी बिग नंबर गिवन है तो आपकी डिवीजन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी. 396. सो 3 इज स्मॉलर 32. अगर आप लोगे टू डिजिट, दीज आर ऑल्सो स्मॉलर देन आवर डिवाइजर. तो हम फर्स्टली जब डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट्स लेंगे? 3 डिजिट्स. तो नंबर क्या बनेगा हमारा? 323. तो 323 से स्मॉलर नंबर हमारा क्या आएगा? 364. नो, 312. सो 312 हमारा कौन सा नंबर पे आ रहा है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. कौन सा नंबर पे आ रहा है? सिक्स नंबर पे. सो 52 सिक्स जा क्या आएगा हमारा? 312. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्टेड, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 0. देन नेक्स्ट डिजिट इज 9. नंबर क्या बन गया आपका? 119. अब 119 से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 156. सो 52 3 156. इज इट राइट? नो, इट इज ग्रेटर देन दिस नंबर. 119 से क्या है? ग्रेटर. क्यों? अब ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो स्मॉलर नंबर इज 104. तो कितने पे डिवाइड करेंगे हम इसको? 2 पे. तो नंबर आएगा हमारा 104. क्लियर? आपको क्या करना है? सिर्फ स्मॉलर नंबर लिखना है. सो सब्ट्रैक्ट इट अगेन. 9 माइनस 4 इज 5, 1 माइनस 0 1. सो नेक्स्ट इज 6. नेक्स्ट डिजिट इज आवर 6. सो नंबर क्या है आपका? 156. सो 156 क्या है हमारे टेबल में आ रहा है? 3 जा पे. सो 52 3 जा क्या जाएगा हमारा? 156. सब्ट्रैक्ट इट, रिमाइंडर क्या हो गया? 0. सो हमारा वन नंबर इज 52, तो सेकंड नंबर क्या जाएगा? 623. सो हमारे यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया? आंसर इज 623. तो अदर नंबर क्या आ गया हमारा? 623. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3680 किलोमीटर इन 23 आवर्स.
हाउ फॉर इट विल गो इन 1 आवर। स्टेटमेंट क्या गिवन है कि एक ट्रेन है वो 23 आवर्स में 3680 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और आपको फाइंड आउट करना है कि वो ट्रेन 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हाउ वी राइट द स्टेटमेंट फर्स्टली, सॉल्यूशन में कैसे राइट करोगे आप? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन कितने हावर्स के लिए रखे आपको? 23 आवर्स। सो इन 23 आवर्स जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आप क्या करोगे? ऑन द राइट साइड यू ऑलवेज राइट। जो हमें गिवन है वो हम इस साइड लिखते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम राइट साइड लिखते हैं। सो हमें डिस्टेंस निकालनी है 1 आवर की, ठीक है? 1 आवर के लिए निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को राइट साइड लिखेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर आपका क्या आ जाएगा? 3680 डिवाइड बाय 23। तो जब भी आपको बिग नंबर गिवन है उसके लिए आप क्या करोगे? टेबल राइट करोगे, दैट इज ऑलरेडी रिटन। सो देन आफ्टर दैट यू डिवाइड द नंबर। सो डिवाइड इट 3,023। सो फर्स्ट इज 36, फर्स्ट नंबर इज 23, देन 46, 46 इज ग्रेटर देन 36, सो 1 जा पे हमारा डिवाइड हो जाएगा। सो 23 वन जा 23, सब्ट्रैक्टेड 6 माइनस 3, 3 टू, 3 माइनस 2 1, कैरी डाउन 8, 138, 138। यस, टेबल में आ रहा है आपके? यस। कौन से प्लेस पे आ रहा है आपके? 6 जा पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन से प्लेस पे आ रहा है? 6 जा पे। सो 23 6 जा 138, सब्ट्रैक्टेड रिमाइंडर इज 0, नेक्स्ट लास्ट 0 इज लेफ्ट, 0 कैरी डाउन करो, देन आफ्टर दैट 0, दिस नंबर इज 23, 0 से हमारा क्या होता है? 0। सो वी राइट हियर 0। अगर आप इसको इस स्टेप में भी करना चाहते हो तो आप इसको राइट कर सकते हो, 23 जीरो जा 0, क्योंकि हमारी टेबल कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। 23 जीरो जा 0, 23 बन जाए 23। सो हमारे 1 आवर में जो हमने डिस्टेंस निकाली ट्रेन के लिए वो कितनी आई? 160 किलोमीटर। तो जो ट्रेन है वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 160 किलोमीटर। सो दिस इज आवर आंसर, क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 6। अ बेकरी बेक्ड 1734 कुकीज टू बी पैक्ड इक्वली इन 17 पैकेट्स। हाउ मेनी कुकीज डज ईच पैकेट कंटेन? इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? एक बेकरी है जो कि 1734 कुकीज बेक करती है, और उनको कितने पैकेट्स में इक्वली पैक करती है? 17 पैकेट्स में, ठीक है? 17 पैकेट्स में इन सारी कुकीज को क्या है वो पैक कर देती है, बट जो ईच पैकेट है, हर पैकेट है, उसमें जो नंबर ऑफ द कुकीज है वो क्या है? इक्वल है। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि एक पैकेट में हमने कितनी कुकीज पैक करनी है जिससे नंबर ऑफ द कुकीज क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल हो जाएगा इन ईच पैकेट। सो सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ कुकीज पैक्ड इन 17 पैकेट्स। हमें कितने पैकेट्स की गिवन है? 17 पैकेट्स की। हाउ मच? 1734 कुकीज। तो निकालना कितने के लिए? ईच पैकेट मीन्स 1 पैकेट के लिए। नंबर ऑफ कुकीज पैक्ड इन 1 पैकेट, और 1 पैकेट के लिए हम क्या करेंगे?
डिवाइड, वेरी गुड. किससे डिवाइड करेंगे? जितने पैकेट्स हमें गिवन है उससे नंबर ऑफ कुकीज को डिवाइड करेंगे. सो दिस वन कम्स 1734 डिवाइड बाय 17. हैव यू लर्न द टेबल ऑफ 17? यस. इफ नॉट अगेन यू राइट द टेबल हियर. तो 17 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो वन जा भी डिवाइड हो रहा है आपका फर्स्टली. यस 17 वन जा 17 सब्ट्रैक्ट इट, कितना आ गया? जीरो. कैरी डाउन 3. अब 3 से क्या है? इट इज स्मॉलर देन 17, नॉट डिविजिबल. जो जब नॉट डिविजिबल होता है हम क्या करते हैं? पुट द जीरो एंड कैरी डाउन द सेकंड डिजिट द सेम प्लेस. सो नंबर इज 34. अब 34 हमारे टेबल में आ रहा है. यस 17 टू जा 34 डिवाइड इट, रिमाइंडर इज जीरो. तो हमारी टोटल नंबर ऑफ द पैकेट्स कितना आया? 102 कुकीज हमारी पैक्ड होंगी इन ईच पैकेट. मीन्स हमें इक्वली पैक्ड करने के लिए एक पैकेट में 102 कुकीज को पैक करना पड़ेगा. सो दिस इज आवर आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन फिफ्थ. क्वेश्चन सिक्स, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेवन इज 25 चेयर्स कॉस्ट इज रुपीज 6575. हाउ मेनी रुपीज? 6575 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर. आपको 25 चेयर्स की कॉस्ट गिवन है, वन चेयर के लिए आपको निकालना है. वेरी इजी. सो इन सॉल्यूशन राइट कॉस्ट ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 6575. सो कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज, वन चेयर के लिए हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रुपीज 6575 डिवाइड बाय 25. हम इसको क्या करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड हेयर. ट्वेंटी फाइव आप इसकी टेबल राइट कर लेना फर्स्टली, देन यू डिवाइड. 25 × 25 सो फर्स्टली राइट द टेबल देन यू स्टार्ट. 25 की टेबल में 65 आता है आपका. 25, 50, 75. 75 is greater. So which number we write here? 50. So 25 2 जा 50. Subtracted. 5 minus 0. 5, 6 minus 5, 1. Which number we carry down? 7. So 25 की टेबल में हमें क्या चेक करना है? 157. 157, 175. दिस इज स्मॉलर नंबर. क्या 150? फिर 25 सिक्स जा क्या जाएगा हमारा? 150. सब्ट्रैक्ट इट. 7 minus 0, 7. दिस इज 0. कैरी डाउन 5. तो 25 थ्री जा हमारा कितना होता है? 75. रिमाइंडर इज 0. तो हमारी कॉस्ट कितनी आई फॉर वन चेयर? हेयर आवर आंसर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 263 रुपीज. तो हमारी वन चेयर के लिए कॉस्ट क्या जाएगी? 263 रुपीज. सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द डिवीजन. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फर्स्टली क्या करोगे? अपने स्टेटमेंट को 2 times रीड करोगे अच्छे से. आफ्टर दैट यू डू द सॉल्यूशन.